हर साल की तरह इस साल भी बजरंगी स्पोर्ट एकेडमी के नितिन शिमले व मित्र परिवार की ओर से भव्य रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन बड़े ही उत्साह के साथ किया गया था। साथ ही इस दौरान विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। बीते दो सालों से कोरोना के चलते किसी भी तरह के त्योहार नहीं मनाए गए, लेकिन इस साल कोरोना के नियमों में शिथिलता होने के कारण रामनवमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उसी श्रृंखला में बजरंगी स्पोर्ट एकेडमी और मित्र परिवार की ओर से रामनवमी पर शोभा यात्रा एवं महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया था। शोभा यात्रा का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ी को धार्मिक कार्यक्रमों का ज्ञान मिले, इसलिए शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था, ऐसा श्रीकांत आगलावे द्वारा कहा गया। हर साल की तरह इस साल भी भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन बजरंगी एकेडमी के माध्यम से नितिन जी शिमले और उनके पूरे मित्र परिवार की ओर से इस साल भी यह आयोजन किया जा रहा है। हर साल यहाँ महाप्रसाद का भव्य आयोजन होता था, पालखी का भी आयोजन होता था। इस साल शोभा यात्रा वातावरण बनाना, हमारे समाज में एक अच्छा वातावरण बने और आने वाली पीढ़ी को अपने सब राम लक्ष्मण सीता सभी अपने जो धार्मिक कार्यक्रम है उसकी जानकारी मिले, यह वातावरण बने, इस भावना से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राम बजरंगी स्पोर्ट एकेडमी के नितिन शिमले द्वारा बताया गया कि रामनवमी उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, उसी के तहत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह झांकी जूनी शुक्रवारी से लेकर सक्करदरा चौक, तिरंगा चौक परिसर पूरे परिसर में घूमकर शारदा चौक से मयूर मंगल कार्यालय से लेकर जूनी शुक्रवारी में इसका समापन किया गया था। इसके बाद महाप्रसाद वितरण किया गया, जिसका लाभ परिसर के नागरिकों ने लिया है। आमची झांकी जुनी शुक्रवारी ते सक्करदरा चौक, तिरंगा चौक, त्यानंतर शारदा चौक, मयूर मंगल कार्यालय पासून तो वापस नागनदी पुलावरून आपल्या जुनी शुक्रवारीचे समापन की बजरंगी स्पोर्ट अकॅडमीची शोभा यात्रा। हर साल की तरह इस साल भी बजरंगी स्पोर्ट अकॅडमी के नितिन शिमले और मित्र परिवार द्वारा यह शोभा रामनवमी पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। पूरे शहर में श्री राम नवमी जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीते दो सालों से किसी भी तरह के उत्सव त्योहार नहीं मनाए गए थे, उसी के चलते इस साल हर उत्सव बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। दोन वर्ष कोरोना काळामध्ये हा कार्यक्रम झालेला नाहीये, परंतु या वर्षी पूर्ण शहरामध्ये मोठ्या भक्तिभावाने श्रीराम जन्मोत्सव साजरा होत आहे आणि थोड्याच वेळात इथं भव्य शोभायात्रेचं आयोजन आपल्या सर्वांच्या वतीने आणि नितिन भाऊ शिमले यांच्या वतीने होत आहे। मी सर्वांना श्रीराम जन्मोत्सवाच्या खूप खूप शुभेच्छा देते। जय श्रीराम, जय श्रीराम। इस साल पूरे शहर में बड़े ही धूमधाम से श्री राम नवमी जन्मोत्सव मनाया गया। उसी श्रृंखला में बजरंगी स्पोर्ट एकेडमी और मित्र परिवार की ओर से राम नवमी के जन्मोत्सव पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।